आतंक की सरजमी बन चुके पाकिस्तान को अब ट्रंप सरकार ने चेतावनी दी है। ट्रंप सरकार ने पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के चुनाव में उतरने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि हमने चुनाव में लश्कर से जुड़े व्यक्तियों की भागीदारी सहित पाकिस्तान सरकार से लश्कर के बारे में बार बार चिंता व्यक्त की है। राजनीतिक उम्मीदवारों और उनके समर्थकों पर ये हमले पाकिस्तानी लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करने का कायराना प्रयास है। बता दें, चुनाव से पहले पाकिस्तान में लगातार आतंकी घटनाएं हो रही हैं, जिसमें 200 से ज्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। क्वेटा में हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने चिंता जाहिर की थी। बता दें, पाकिस्तान में चल रहे चुनाव में इस बार नेताओं के साथ आतंक भी शराफत का नकाब ओढ़कर गली गली वोट मांग रहे हैं। हालांकि दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने जमातुल दावा प्रमुख और अमेरिका का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हाफिज के संगठन को मान्यता नहीं दी है, लेकिन हाफिज सईद ने एक दूसरी पार्टी के बैनर तले अपने आतंकियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। वो खुद रैली करके भारत और अमेरिका के खिलाफ लोगों को भड़का कर वोट मांग रहा है। इस चुनाव में हाफिज का बेटा और दामाद दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। हाफिज बार बार पाकिस्तान की कम पढ़ी लिखी जनता को ये पाठ पढ़ा रहा है कि अमेरिका उसे डराता है, वो नहीं चाहता कि वो चुनाव लड़े। पाकिस्तानियों के दिमाग में हाफिज ये जहर भर रहा है कि अगर पाकिस्तानी सत्ता पर उसकी पकड़ मजबूत होगी तो पाकिस्तान में अमेरिकी दखल खत्म हो जाएगा। हाफिज चुनाव में भारत के खिलाफ आग उगल रहा है। पाकिस्तान के पास एटम बम मौजूद है और फैसलाबाद के साथियों खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने हमारे साइंसदानों इंजीनियर्स को वो तौफीक बख्शी कि इंडिया के साइंसदान इनकी हवा तक नहीं पहुंच सके। बता दें कि पाकिस्तान में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। 25 जुलाई को वोटिंग है। चुनाव में राजनीतिक दलों के अलावा कई कट्टरपंथी संगठनों ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं। ये कट्टरपंथी पार्टियां चुनाव में आतंकी संगठन के सरगनाओं को समर्थन दे रही हैं। लेकिन अब जब अमेरिका की नजर इन आतंकियों पर टेढ़ी हो गई है तो हाफिज सईद को लेकर पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।